रेखा जी, आप हमेशा हर साल छठ पूजा का व्रत रखती हैं और सफाई भी करती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि सबसे पहले तो छठी मैया की जय, सूर्य भगवान सामने हैं, उनको भी प्रणाम करके आशीर्वाद लेती हूं। और एक चीज यही कहती हूं कि पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे ज़्यादा बड़ा त्यौहार पूर्वांचल वासियों के लिए है तो ये छठ पर्व है। और आज तक कहा गया है कि जो भी दिल से ईश्वर से प्रार्थना करके अपने लिए मांगा है उसकी इच्छा पूरी हुई है, उसमें मैं भी हूँ। मैं भी भगवान छठी मैया से बेटा मांगी थी तो मुझे बेटा हुआ, आज मेरा बेटा सिविल इंजीनियर बन गया। तो मैं तो पूरे परिवार हमारे घर में सदियों से करते हुए आ रहे हैं, तो हम भी उसी परंपरा में हैं। और यहाँ श्याम घाट पे आज देख रहे होंगे सभी बच्चों की टीम, नंदकिशोर चौधरी जी हैं, ब्रजेश राय जी हैं, सोनू चौधरी जी, पूरी टीम के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं कि एक भी कचड़ा यहाँ पे नहीं हो। पानी के अंदर जितना दूर परवैती जाती हैं, जो सूप लेके खड़ी रहते हैं उनको हम परवैती कहते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके पैर में कुछ ना चुभ जाए। इसलिए नदी के अंदर से भी सारा कचड़ा वचड़ा, प्रतिमा अभी विसर्जन हुई है, वो सब निकाल करके ट्रॉली आया हुआ है, ट्रॉली में भरवा करके उसको हम लोग यहाँ से हटवाएंगे। और जितनी हो सकती है सफाई उतना करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप अभी कैमरा घुमाएंगे तो चारों तरफ देखेंगे, आपको एक भी कचरा नहीं मिलेगा। देखा कि सफाई है यहाँ पर, परंतु बात वही आता है कि आप तो सफाई करवाती रहती है लेकिन लोगों की एक आदत बन चुकी है कि कचड़ा इधर उधर फेंक देना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले क्या था, देखिए पहले से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है। पहले लोग कुछ भी लेके आते थे जमुना में डाल देते थे, लेकिन अब आप देखे होंगे इस बार की जमुना नदी के अंदर थैलियां कम है, फूल माला कम है, क्योंकि ऊपर में ही ऐसा स्थान बना दिया गया है कि सब लोग यहाँ कर। जैसे हम भी अभी पूजा का फूल लेके आए तो नदी में कुछ भी नहीं डाले, सीधे जहाँ ढेर लगा हुआ था वहीं डाल दिए, और सारे ढेर को भी हम ट्रॉली में उठवा करके यहाँ से वो भी हटा देंगे। जो इस त्यौहार को करने आ रहे हैं उनके लिए आपने क्या व्यवस्था किया हुआ है यहाँ पर, ताकि उनको आने जाने में दिक्कत? व्यवस्था मैं बताती हूँ, पूरा बुराड़ी बाबा कॉलोनी है, वो 9 नंबर वार्ड में आता है, लेकिन अभी हमारा इंस्पेक्टर भी आया हुआ है। कहाँ है वो, बुलाना एक बार उसको, बुला करके सभी की मीटिंग लिए हैं। और डीसी साहब से भी मेरी बात हो रही है कि बाबा कॉलोनी से लेकर के इधर पूरा पुस्ता मिलन विहार होते हुए आगे हाथी मत्था से और इधर हनुमान चौक से, मतलब जो रास्ता आता है यहाँ श्याम घाट के लिए, उसमें एक एक भी कचड़ा ना हो, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मतलब खड़ना 1 तारीख का है, 1 तारीख तक पूरा साफ सफाई करवाना है। सफाई वैसे भी ये इंस्पेक्टर हैं, जय भगवान इसका नाम है, इसको भी बुलाई हूँ मैं कि एरिया पूरा दिखा दी हूँ। मेरा सवाल है कि लोग व्रत करते हैं 48 घंटे 50 घंटे व्रत के टाइम भूखे रहते हैं इस महिलाएं और पुरुष, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, स्वास्थ्य के लिए आपने क्या इस बार इंतजाम रखा है? नहीं नहीं, मुझे आज तक का जो भी मैं देखी हूँ और सुनी हूँ, छठ पूजा एकदम बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी किए हैं, तो अब तक ऐसा नहीं देखी हूँ कि कोई बेहोश हो गया है, क्योंकि इतनी कृपा है और इतनी आस्था के साथ लोग करते हैं कि 48 घंटे में आप ऐसे एक दिन का व्रत करके चूल्हे के पास नहीं बैठ सकते। और मैं स्वयं 2 दिन चूल्हे के पास ही बैठती हूँ, मैं अपने हाथ से पूरा ठेकुआ उकुआ तलती हूँ, 20 किलो आटा पूरा पिसवा करके बढ़िया से, तो बिल्कुल प्यास भी नहीं लगता, ये सब भगवान की कृपा है। और आपके मुंह से पहली बार मैं सुन रही हूँ कि लोग की मीटिंग में था तो वहाँ पर कुछ छठ के मीटिंग के लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य की दिक्कत आती है। हाँ, स्वास्थ्य की वो ऐसा है, एक तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत है, आप देख रहे होंगे अभी आ रहे होंगे रास्ते में तो सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और उस दिन थोड़ा सा और आबादी ज्यादा यहाँ पे होती है तो थोड़ा घुटन सा होता है। एक तो यमुना के किनारे वाष्प अलग से बनता है और पूरा वातावरण दूषित है, जैसा कि इस बार टीवी में बता रहा था कि 4 साल के बाद पहली बार ये कम प्रदूषण है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, वो थोड़े पटाखे वगैरह कम छूटे हैं इसलिए लग रहा है कि थोड़ा कम है, लेकिन प्रदूषण है। और प्रदूषण से जो सांस लेने में, क्योंकि सभी लोग स्वस्थ नहीं है ना, किसी को दम में की शिकायत है, किसी को खांसी का शिकायत है, मैं खुद अभी धुआं का छिड़काव करवा रही थी तो उस दिन से मेरे गले से लेके फेफड़ा तक ऐसे लग रहा है जैसे कि पूरा एकदम ब्लॉक है, लेकिन फिर भी हम लोग चल रहे हैं क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है इसलिए चल रहे हैं।
और मुझे लगता है कि सभी ठीक ठाक रहेगा ईश्वर माहौल, क्योंकि 6-7 साल से मैं भी यहाँ पे आ रही हूँ तो देख रही हूँ सभी स्वास्थ्य पूर्वक यहाँ से आ रहे हैं। SDMC में एक सवाल उठा कि सभी छठ घाट के लोगों ने अपील किया कि हमें स्वास्थ्य के लिए कम से कम एक फर्स्ट एड किट वहाँ पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। तो उस प्रत्येक साल रहता है यहाँ पे, प्रत्येक साल आप देखते होंगे कि डॉक्टर की टीम बैठती है, पुलिस वाले का अलग टेंट होता है, स्वास्थ्य वाले का अलग टेंट होता है, प्रशासनिक अलग टेंट होता है, सारी व्यवस्थाएं होती है। उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता बिना BJP के झंडा लगाए हुए, उनका भी एक टेंट होता है, जो यहाँ के विधायक हैं उन लोगों का भी एक टेंट होता है। तो व्यवस्था में मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आती है। और इस बार का पानी बहुत अच्छा है, पिछले बार तो कीचड़ था और आगे जा करके थोड़ा सा पानी में जाने के बाद पूरा इतना पानी था, लेकिन इस बार अच्छा है पानी। और मुझे लगता है थोड़ा पानी और छोड़ा जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। चलो स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। मेरा सवाल था, भारत सरकार का तमाम प्रयास रहता है कि स्वास्थ्य बनाने का, नदियों को साफ करने का, उसके बावजूद भी लोग प्लास्टिक नदियों में डालते हैं, तो आप इसको कैसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये आह्वान किया था। लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि प्लास्टिक के कारण इतनी बीमारियां फैलती हैं, इतनी सारी चीज़ें, पर्यावरण खराब होता है हमारा। तो जब जागरूक किया तो आप देखेंगे कि नीचे तक, चाहे BJP का कार्यकर्ता हो, चाहे संघ स्वयं हो, चाहे अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, और वो नीचे तक गए और लोगों से आह्वान किया, तो मुझे लगता है कि 60% प्लास्टिक यूज़ कम हो गया है। एक दिन में चीज़ें नहीं बदलती हैं, अभी 15 अगस्त से लेकर अभी कितना महीना हुआ है, धीरे धीरे मुझे लगता है दिल्ली से नहीं पूरे देश से प्लास्टिक खत्म हो जाएगा। उनका सवाल है कि प्लास्टिक तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा आस्था का विषय होता है, लेकिन आस्था के साथ साथ हम लोग नदियों को गंदा भी करते हैं। क्या है कि पूजा का कोई भी वस्तु होता है प्लास्टिक में होता है, सीधा नदी में डाल देते हैं लोग। जब प्लास्टिक नहीं रहेगा ना तो फिर डालेंगे क्या? थोड़ा इंतजार करना चाहिए, मुझे लगता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।